नमस्कार, जनप्रवाद में आपका स्वागत है। आपके शहर की खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। भाजपा सांसद छेदी पासवान ने अनुच्छेद 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पासवान ने कहा कि विपक्षी दल बौखला गए हैं, इसी बौखलाहट में नागरिक संशोधन कानून का सहारा लेकर देश की भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत है कि देश के लोग नागरिक संशोधन कानून को समझें, क्योंकि ये कानून देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता को लेकर नहीं है। इस कानून के तहत नागरिकता देने की बात कही गई है, नागरिकता लेने की बात नहीं की गई है। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश में शरणार्थी के लिए विचार किए जा रहे हैं, घुसपैठियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि संयम से लोग इस कानून के प्रावधानों को समझें। देखिए, मुख्य रूप से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब आंदोलन कर रहा है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जो है, ये मुख्य रूप से नागरिकता देने की बात है। नागरिकता समाप्त करने के लिए नहीं लाया गया, नागरिकता देने की बात हो रही है। जैसे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक धार्मिक लोग हैं, अत्यंत धार्मिक लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, चाहे हिंदू हों, बौद्ध हों, सिख हों, ईसाई हों, फारसी हों, सभी लोगों को जो वहाँ से प्रताड़ित होकर के, उपेक्षित होकर के वहाँ से आया हमारे यहाँ, और 13 दिसंबर 2019 से जो आदमी भारत में आ गया है, निवास कर रहा है, उसको नागरिकता देने की बात हो रही है, न कि नागरिकता समाप्त करने की बात हो रही है। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने ग्राम अलियाबाद में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। धीरेंद्र सिंह ने कहा कि सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले लोग व्यवधान पैदा कर रहे हैं, देश की तरक्की की ओर अग्रसर है, विपक्षी दल समाज और देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों को नसीहत दी। धीरेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसा माहौल पैदा ना करें जिससे आने वाली पीढ़ी उनकी गलतियों का खामियाजा भुगते। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देश हित में है। जेवर विधायक ने गांव नगला, हुकुम सिंह, डुढेरा आदि गाँव का दौरा किया। इन गाँव में उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने देश के मौजूदा हालातों में संयम बरतने की भी अपील की। कुछ लोग नागरिकता कानून और NRC को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, विपक्षी दल लोगों को सही तथ्यों की जानकारी नहीं दे रहे हैं। जेवर विधायक ने कड़कड़ाती ठंड और चल रही शीतलहर को देखते हुए सैकड़ों निराश्रित और गरीब लोगों को कंबल भी वितरित किए। इस मौके पर जेवर तहसीलदार दुर्गेश सिंह समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शनों पर योगी सरकार सख्त हो गई है। योगी सरकार के निर्देश पर उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी क्रम में रामपुर प्रशासन ने उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की। उपद्रव मचाने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसके बाद गिरफ्तारी की जा रही है। रामपुर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपद्रव की तस्वीर बयां की। पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने कहा कि प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, उसके बावजूद भीड़ वहां पहुंची, उसके बाद उपद्रव हुआ, कई गाड़ियों को क्षति पहुंचाई गई, पुलिस पर पथराव किया गया, फायरिंग भी हुई, जिसमें हमें मौके पर कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं। इसमें 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हॉस्पिटल में भी तोड़फोड़ की गई थी। जब वो इस चीज़ पे राजी हुए कि प्रदर्शन होना शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था के लिए ठीक नहीं, लेकिन फिर भी काफी भीड़ वहां पर कल पहुंची थी। इसमें विशेष रूप से जो उपद्रव इंसिडेंट हुआ है हाथी खाना पर, जिसमें कि कई वहां पे लोग शामिल थे, उपद्रवी शामिल थे, और 1000 से ज्यादा की भीड़ वहां पर मौके पर मौजूद थी, जिसमें भीड़ के द्वारा कई गाड़ियों को क्षति पहुंचाई गई और साथ ही साथ पुलिस पर पथराव किया गया, और इसके अलावा वहां पर फायरिंग भी हुई, जिसमें कि मौके पर कई में कारतूस, खोखे वगैरह बरामद हुए। इसमें 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहला थाना क्षेत्र कोतवाली में दर्ज हुआ है, जो कि हाथी खाना पर जो लोगों के द्वारा पुलिस पर जो पथराव किया गया, इसके अलावा जो वहां पर शस्त्रों का प्रयोग किया गया उसके संबंध में, जो वाहनों में आग लगाई गई, आगजनी की गई उसके संबंध में, और इसके अलावा एक वर्मा थाना क्षेत्र पेंच में दर्ज हुआ है, जहां पर थाना घोट की गाड़ी में आगजनी करी गई, वहां पर पथराव किया गया, और तीसरा अभियोग कोतवाली में दर्ज किया गया है, जिसमें कि हॉस्पिटल पर, सिविल हॉस्पिटल पर जो तोड़फोड़ की गई, जो उपद्रव किया गया उसके संबंध में।
गिरफ्तार की जा चुकी है, उनमें से 31 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 1000 से ज़्यादा लोग उसमें शामिल है, ये उसमें लिया गया है पुलिस के उसमें। उसमें जितने लोग चिन्हित हो रहे हैं, जो जिन लोगों ने संपत्ति को क्षति पहुंचाया है, तकरीबन 25 लोग हैं, उनके संपत्ति को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। एडीएम फाइनेंस को उसका विधिवत प्राधिकारी डिक्लेयर किया गया, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का निर्देश था उसके अनुरूप, और वो प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जिसकी भी संपत्ति का नुकसान हुआ है सरकारी संपत्ति के अलावा, वो क्लेम करे प्रशासन के, मतलब एडीएम फाइनेंस के अपना क्लेम देगा और उस क्लेम के आधार पर हम उसकी उसकी भरपाई के लिए उससे उतनी रकम वसूल करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं, कुछ बाराबंकी के अद्भुत बच्चे का असमान ज्ञान सबको हैरत में डाल रहा है। यहाँ का 6 साल का प्रियांशु गूगल बॉय बनने की राह पर है। शिक्षक से लेकर अधिकारी हैरत में है। जिस आयु में बच्चे ABCD भी ठीक से नहीं सीख पाते हैं, उस आयु में देश और दुनिया के तमाम राजनेताओं के नाम प्रियांशु को याद है। देश के हर राज्य और उसकी राजधानी के साथ वहाँ के मुख्यमंत्रियों के नाम बखूबी से याद है। इस बच्चे का सामान्य ज्ञान सबको हैरत में डाल देता है। बाराबंकी मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर है गांव करमे मऊ गढ़ी। यहाँ के रहने वाले किसान सुरेश का बेटा प्रियांशु प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 का छात्र है। पिता का कहना है कि प्रियांशु को जो बात एक बार बता दी जाती है वो उसे आसानी से याद कर लेता है। प्रियांशु का IQ टेस्ट BEO संजय शुक्ल ने किया। छात्र से जो भी सवाल शिक्षक करते हैं वो बड़ी आसानी से जवाब दे देता है। BEO संजय शुक्ल ने बताया कि बच्चे की आगे की पढ़ाई के लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। बेटा, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है बताएं? जकार्ता। रूस की? मास्को। जापान की? टोक्यो। अच्छा, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है बेटा? अमरावती। अच्छा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? पेमा खांडू। राजधानी पूछा हमने, ईटानगर। हाँ, और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। टीकमगढ़ के खरगापुर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में श्रीनिवास रामानुज की स्मृति में राष्ट्रीय गणित दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती का पूजन किया गया। बाद में सभी शिक्षकों ने महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के गणित सूत्रों की जानकारी दी। शिक्षकों ने छात्रों को गणित की सरल विधि को भी बताया। प्राचार्य मुरली मनोहर ने बाहर से आए अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जिन छात्रों ने गणित के अच्छे सूत्र के नमूने बनाए उन्हें सांसद N. खरे ने सम्मानित किया। अध्यक्षता स्कूल प्राचार्य मुरली मनोहर ने की। बाना में नगर पालिका परिषद में सभासदों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सभासदों ने अध्यक्ष मोहन साहू पर संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। सभासदों ने DM से मांग की है कि अध्यक्ष के सभी वित्तीय अधिकार निरस्त किए जाएं। पूरा मामला बांदा जिलाधिकारी कार्यालय का है। यहां पर नगर पालिका परिषद के सभासदों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन और घोषणा पत्र सौंपा। हम लोग आज जो है अध्यक्ष की तानाशाही और ये रवैये पूर्ण अपना रहा है, क्योंकि ये मैं पूछना चाहता हूँ मोहन साहू जी से, ये संविधान में या किसी नियमावली में कि जिसको जनता ने चुना हुआ है चेयरमैन, वो क्या किसी को मनोनीत कर सकता है? कोई संविधान में या किसी नगर पालिका एक्ट में लिखा हुआ है? हमारे अध्यक्ष मोहन साहू नगर पालिका में, उन्होंने जो ये कृत्य किया है कि अपना पद किसी मेंबर को दिया है असंवैधानिक तरीके से, ये हमारे कहीं नगर पालिका एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, शासन का कोई ऐसा कानून नहीं है कि अध्यक्ष का पद हम किसी को बांट दें या किसी को सौंप दें। इन्हीं कारणों बस अगर अध्यक्ष अध्यक्षी नहीं कर पाते हैं तो वो शासन के निर्देश के अनुसार जिला प्रशासन किसी को पद सौंपा जा सकता है। रोहतास में दुराचार के प्रयास की पीड़ित लड़की को गोली मारे जाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले में पीड़ित लड़की के पिता को ही गिरफ्तार किया है। जांच में जो तथ्य सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। लोक लाज के डर से पिता ने ही अपने सहयोगी के साथ मिलकर अपनी ही पुत्री की जान लेने की साजिश रची थी। हालांकि लड़की की जान बच गई, वो इलाज के लिए NMCH जमुहार में भर्ती है। मोबाइल फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस जांच में ये बात सामने आई। पुलिस ने राजपुर के रामोडीह गांव में छापेमारी करके आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने लड़की के पिता को हथियार उपलब्ध करवाया था। लड़की के पिता धर्मेंद्र पासवान से जब पूछताछ हुई तो उसने सच्चाई उगल दी। पुलिस ने धर्मेंद्र पासवान के सहयोगी दुखन चौधरी के यहां छापेमारी कर 2 देसी राइफल, 67 जिंदा कारतूस और दर्जनों खोखा तथा अन्य संदिग्ध वस्तु बरामद की गई है। गिरफ्तारी के बाद नई हिरासत में भेजने के बाद उसके दूसरे दिन रात में
रात में सूचना मिली 3 बजे कि उनके फादर ने, क्योंकि गांव में फोर्स कैम कर रही थी, तो उन्होंने पुलिस में फ़ोन किया थानाध्यक्ष को कि यहां पर वो बता रहे हैं कि लड़की को गोली मार दी किसी ने रात में 3 बजे शौच में, उसको 3 बजे शौच लगी थी रात में, शौच में जैसे ही बाहर से निकले तो घर के सामने ही 10 मीटर दूर पर किसी ने गोली पीछे से मार दी। प्रथम दृष्टि हमने बताया था कि मामला संदेहास्पद है, चूँकि वहाँ पर पूरे गांव में पुलिस कैंप कर रही है और घर के पास, घर से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर भी पुलिस है वहाँ पर, तो पीछे से गोली मारने का कहीं कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा था। तो हमने बताया था कि जो भी घटना है कहीं ना कहीं परिवार संदेह के घेरे में है और कोई जो भी घटना हुई है घर के आसपास ही हुई है। अनुसंधान के दौरान हम लोगों ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया, CDR वगैरह का और डिटेल रिकॉर्ड्स वगैरह का एनालिसिस किया। एनालिसिस के क्रम में एक व्यक्ति दुखन चौधरी को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ। मोबाइल में लड़की का पिता उसके मोबाइल से जो बात किया है उसकी ऑटो कॉल रिकॉर्ड में बहुत सारी रिकॉर्डिंग सेव थी। रिकॉर्डिंग्स में हम लोगों को बहुत सारे ऐसे क्लूज मिले जिससे कन्फर्म हुआ कि ये प्री प्लान्ड अटेम्प्ट मर्डर था। उस लड़की को इन लोगों को वो योजना थी कि लड़की को गोली मार देंगे तो मर जाएगी और दूसरे को फंसा देंगे, इस प्रकार की योजना थी। तो चूंकि लड़की को गोली मारी, वो मरी नहीं, तो इन लोगों की इवन आगे की प्लानिंग थी कि लड़की को जला दें, जिंदा जला दें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।